अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। चुनाव की रंजीश निकाली मेरे ऊपर जिस दिन काम में आ गया उस दिन मतलब पेट पूछूंगा, ये आप भी जानते हो। आप समझते हो मतलब कहने का मेरा, ये पूरा घर डिस्टर्ब हो रहा है इस कारण और सबको खम्बे दिख रहे हैं। ये भाई सर उसने आप घुमा लो क्यों मतलब मेरा कहने का, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आगे नहीं बोल सकते कोई मतलब बच्चे सर आप रहे हैं, आपको मालूम है सारी कथा। अरे सर इनका मुद्दा नहीं करना, मुद्दा बना हुआ होता है सर, वो अवैध संचालित कर रहे हैं वो दुकान, मतलब ब्यूटी पार्लर कमर्शियल क्षेत्र बना के कर रहे हैं और हम तो उस पर अभी तक चिंता है, उसका टैक्स चोरी कर रहे हैं ना, भर रहे हैं वो और बोल रहे हैं कमर्शियल लाइन है, रेसिडेंसी में कमर्शियल काम ब्यूटी पार्लर संचालित हो गया। एक कॉपी मैंने दी है सर, उसकी ये पिछले की कॉपी मैं ला देता हूँ, ला रहा हूँ। एक घर का एक मामला जो वार्ड वासियों ने सारों ने तोड़ दिया, आपका केवल मकान है जी, क्योंकि पार्षद का आप पे कई बार दबाव बनाकर आपने सहमति भी दी थी, सब तोड़ देंगे मैं तोड़ दूंगा विकास कार्य को लेकर, मैंने कोई सहमति भी नहीं दी है। हाँ? क्या है पूरा मामला? मेरा मकान अतिक्रमण में है ही नहीं, दो पिल्लर का इशू बना के चल रहा है ये, और दो पिल्लर पे मेरा पूरा मकान टेका हुआ है 35x30 का है, अगर वो पिल्लर गिरते हैं या तोड़ता हूँ मैं तो मेरा ऊपर का पूरा 40 फीट का पूरा एरिया नीचे आ जाएगा, इसलिए मैंने वो पिल्लर नहीं लगाए नहीं तोड़े हैं, और इसके चक्कर में मेरे को नगर निगम में जो लेट आवेदन दिया था उसका जवाब मैं कोर्ट से बनवा के लाके नगर निगम को मैंने दे दिया है, इसके उपरांत भी पूरे मोहल्ले वालों को ये पार्षद राज वर्मा द्वारा भड़काया जा रहा है और कह रहा इशू बना लिया कि कैसे भी करके इनके पिल्लर तोड़वाए जाए, और ना तो उसमें मतलब रोड में तकलीफ आ रही है, 20 फीट की गैप है, पूरा सामने 150 फीट का चौक बना हुआ है, उसके उपरांत भी ये जबरदस्ती इशू बना के और परेशान करने की साजिश कर रहे हैं, क्यों कि चुनाव में कि रंजीश पूरी निकाल रहा है ये, क्योंकि इनका पूरा समाज है वहाँ पे, हम एक तरफा है और अब हम तो बाप बदलते नहीं, हमारा एक ही सिद्धांत है यार, तो इसलिए हम वोट बदलते भी नहीं है, जो वोट देते हैं उसी हिसाब से वोट देते हैं, इसलिए इनने पूरा इशू बना लिया मोहल्ले वाले उनको सबको भड़का भड़का के और जैसे करके मतलब कैसे भी इनका निपटारा होना चाहिए। क्या कोर्ट साहब ने अभी महापौर जी आपको 3 दिन का समय दिया सामने लेकर? हाँ जी हाँ, तो हमने लेटर दे दिया ना निगम को, अब निगम को कार्रवाई जो भी कार्रवाई मतलब कोर्ट के द्वारा जवाब दिया गया है, रोक लगवाई गई है, इस्टे लेके आए हैं हम, रोक लगवाई है उसकी। पुराना मकान होगा कितने वर्षों का? मेरा कम से कम 30 साल पुराना मकान है साहब, मैंने ये मकान बनाया नहीं है, मैंने परचेस करा था, ये मेरे द्वारा ये मकान खरीदा गया है, मैंने उसमें कोई अतिक्रमण नहीं किया गया, मैं ना कहूँ उसमें डेवलपमेंट किया गया है, ये तो मैंने खुद ने परचेस करा था, ये मकान जैसा था यथावत ही मकान है मेरा। पार्षद का कहना है कि सहमति इनकी भी थी अगर विकास कार्य को लेकर, बार बार मैं आपसे पूछ रहा हूँ, विकास कार्य के लिए तो हर आदमी की सहमति होगी, मगर मैं गली में हूँ वहाँ पे कोई अतिक्रमण थोड़ी आ रही है, मेरा भाई साहब उनके खुद के मकान में 150 फीट 100 फीट का अतिक्रमण है, वो मेन रोड पे मकान होने उनके दो ही मकानों पे कम से कम 100 फीट का अतिक्रमण है, उनको पार्षद जी को ये नहीं दिख रहा वार्ड क्रमांक 2 में उनके मकान बने हुए हैं उसमें 100 फीट से ऊपर का अतिक्रमण है, वो नहीं दिख रहा पार्षद जी को, वो गली में अतिक्रमण दिख रहा। क्या जनसुनवाई से आशा यही है कि जो सरकार करेगी उस हिसाब से हमको मान्य होगा और सरकार का जो निर्णय हो। आपका मेरा नाम अशोक नामदेव, जनसभा में क्या मामला है आपका?
उन्होंने तोड़े नहीं अभी तक, और उनसे पूरे वार्ड की जनता को परेशानी हो रही है। और कल आपने कलेक्टर की जनसुनवाई में दिया आवेदन, आज महापौर की जनसुनवाई में इसके बाद भी सुनवाई नहीं हो रही है। महापौर जी ने बोला कि 3 दिन का समय हम दे रहे हैं उनको, अगर नहीं तोड़ेंगे तो हम खुद आते और तोड़ेंगे। कितने समय से अतिक्रमण है वहाँ पर? ये अतिक्रमण सालों का पुराना है, पर अभी सबने अपने अपने अतिक्रमण तोड़ लिए हैं और बाकी क्या तोड़ दिए नगर निगम से, बाकी सबने तोड़ लिए। बाकी यही दिक्कत आ रही कि हमारे अधिकारी वगैरह भी तोड़ नहीं पा रहे थे इतने दिन से। क्यों ऐसी स्थिति क्यों बन रही है, अधिकारी नहीं कर रहे काम? अधिकारियों को बार बार अवगत कराया जाता है कि आपको ये पद सुनते ही नहीं है, कोई हमारी उनसे पर्सनली दुश्मनी नहीं है, पर मेरी वार्ड की जनता के लिए मेरी सबका भी उनकी अतिक्रमण है तो तोड़ो, आप पर तो सुनवाई नहीं करते। चूंकि सामने वाला पक्ष कह रहा है कि स्टे भी लेके आए वो लोग, नहीं कोई स्टे नहीं है। और वो आप इंग्लिश जिसको भी पढ़ना आती है वो पढ़िए कि इसमें कोई ऐसा नहीं लिखा है, वो नोटिस बस ये है कि उनको 15 दिन का दिया गया है तोड़ने के लिए, 15 दिन का है। तो ये इंग्लिश जिसको भी आती है वो इंग्लिश पढ़ सकता है, महापौर के आश्वासन से स्वस्थ है आप? हाँ, अभी उन्होंने 3 दिन का टाइम दिया है, हम भी उनके 3 दिन के टाइम को सब देख रहे हैं, 3 दिन का उन्होंने लास्ट दिया है तो 3 दिन और देखते हैं। किस वार्ड से पार्षद है? वार्ड क्रमांक 3। क्या नाम आपका? इंदु राज। आवास नगर की नहीं, महापौर जनसुनवाई के अंदर पूरे देवास के विभिन्न वार्डों से समस्या लेकर और आवेदन लेकर हमारे देवास की जनता आई थी। उनके आवेदनों पर जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि 70% आवेदन ऐसे होते हैं जनता का आवेदन जो हम तत्काल मौके पर निराकरण करते हैं, 30% आवेदन ऐसे होते हैं जो समय सीमा में निराकृत करने के होते हैं, वो संबंधित विभाग को मार करता हूँ, वो समय सीमा में उनको पूरा करने का हम पूरा प्रयास करते हैं, जिससे कि देवास की जनता जिस विश्वास के साथ में महापौर जन सुनवाई में आती है उनके विश्वास पर हम खरा उतरने का प्रयास करते हैं। आपने पर्टिकुलर आवास नगर की बात करी तो वहाँ के नागरिक बंधु एक अपनी समस्या कह लें या मांग कह लें, वहाँ पर हम एक C4 सेक्टर है जो काफ़ी गड्ढे में है, जिसको हमने ऊपर उठाने के लिए करीब 25 लाख रुपए का विधायक निधि भी मिली है और नगर निगम निधि से हम वहाँ पर हम काम कर रहे हैं, जिससे वहाँ पर एक छोटी सी कार भी नहीं जा सकती, इतना संकरा मार्ग है, जिसको लेकर नगर निगम की टीम ने वहाँ पर चौड़ीकरण किया है। चौड़ीकरण के बाद में वहाँ पर भराव होगा, सौंदर्यीकरण होगा और वहाँ के नागरिकों को एक सर्व सुविधायुक्त सेक्टर उपलब्ध होगा, जिसमें उनका कहना था कि सारा अतिक्रमण लोगों ने स्वेच्छा से हटा लिया है पर कोई एक अतिक्रमण बचा है जिसके कारण वो चौड़ीकरण के काम में अवरोध आ रहा है। तो उसके उस अतिक्रमण को लेकर सारे नागरिकों की मांग थी कि यह अतिक्रमण भी तत्काल हटाया जाए, तो जिससे जो कल्पना हम लोगों की है उस सेक्टर को लेकर वो कल्पना पूर्ण हो। मैंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इस मांग के ऊपर तत्काल आज ही उस सेक्टर में जाएं, सेक्टर में जाकर देखें, यदि जो उन्होंने बताया है कि ये निर्माण हटना चाहिए वो अतिक्रमण है तो संबंधित व्यक्ति को 3 दिन का नोटिस दें और 3 दिन में वो नहीं हटाते हैं तो निगम की टीम उस अतिक्रमण को हटाए, ऐसा मैंने निर्देश दिया है। एक चैम्बर की बड़ी समस्या, 15 दिन पहले भी आपने कहा था कि दिखवा देंगे ठीक कराएंगे, परंतु आज तक कोई अधिकारी नहीं गया वहाँ पर। आपने चैम्बर का बोला है तो मैं सीवरेज का जो काम देख रहे हैं उनको अभी निर्देश देता हूँ कि आवास नगर से संबंधित चैम्बर क्या सीवरेज चौक की या ढक्कन की, क्या ढक्कन खुले हुए पड़े हुए हैं, ढक्कन की समस्या है तो मैं आज ही सीवरेज से जुड़े अधिकारियों को बोलता हूँ कि उसको भी दिखवाएंगे। एक महीने पहले आपने वो बोला था नाली देखना, आज तक को आप अधिकारी नहीं जा पा रहे हो देखने? नहीं, पिछले बुधवार आपके समक्ष ही मैंने संबंधित अधिकारी से बात करी थी, वो वहाँ पर पहुँचे भी थे, किंतु मैं आपकी बात से भी सहमत हूँ कि वो गाड़ी में बैठे बैठे ही निकल गए थे और जैसा कि आप चाहते थे ऐसा उसका भौतिक सत्यापन नहीं हुआ है। तो फिर से मैं अधिकारी को बोलूँगा कि शिकायतकर्ता की संतुष्टि हो वैसा विजिट करके आए और आपको अवगत भी कराएंगे। क्या महापौर जी किसी सवाल का जवाब नहीं देंगे क्या? एक ही बात है, महापौर नहीं, अभी आधे घंटे आवास नगर के बैठे थे रहवासी, आपका वेट कर रहे थे, क्या कारण है? नहीं, कोई कारण नहीं है उनकी, चूंकि मैं आवास नगर का निवासी रहा हूं और आवास नगर के अंदर जो कहते हैं ना पला बड़ा, मेरी राजनीतिक पढ़ाई से लेके तो पलाई तक आवास नगर में हुई है, तो वहां मेरा रिश्ता महापौर का जी और आम जनता का नहीं है, वहां की जनता से जो मेरा रिश्ता है वो मेरी बहनें थी, मेरी भाभियाँ थी, मेरी आंटी थी, ऐसा रिश्ता है, तो जो उनका प्रेम और लगाव मेरे प्रति है वो इसलिए मेरा इंतजार कर रही थी।